वेलकम टू योर चैनल सुपर 40। मैं आपकी ईवीएस की टीचर प्रवर्तिका वर्मा। आज मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ जो है क्लास फर्स्ट का। देखते हैं कौन सा चैप्टर है। चैप्टर 11, हाउस। हाउस क्या होता है? हाउस आपको पता है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो फिर मैं बता रही हूँ। हाउस में जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा घर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। जो कि बहुत सारे जिसमें कमरे होते हैं, छत होती है, किचन होता है, वॉशरूम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। जो हमें बहुत सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, करता है ना। जैसे अगर बारिश आई, उससे प्रोटेक्ट करता है हमें कि हम भीग नहीं पाते अगर हम घर के अंदर हैं तो। बहुत ज़्यादा ठंड है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। तो और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम अपने घरों में ही रहते हैं। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा था तो बोला गया था ना कि अपने घर में ही रहें, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। तो जो हाउस है, जो हमारा घर है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने चैप्टर पे। हाउस इज़ आवर बेसिक नीड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो घर है वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी एक बेसिक नीड है। बेसिक नीड तो है ही, मगर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ के में इसका। अगर हमारे लिए घर ना हो तो हम कहाँ रहेंगे? हम रोड साइड तो रह नहीं सकते। हाँ, सोएंगे कहाँ? खाना कहाँ खाएंगे? खाना पकाएंगे कहाँ? वॉशरूम कहाँ जाएंगे? तो हमारे लिए घर होना या घर में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हाउस इज़ आवर बेसिक नीड। ये हमारी बहुत बेसिक सी ज़रूरत है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट, रेन, स्टॉर्म एंड कोल्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोगों को घर बहुत सारी जो नेचर की तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं उससे हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे बारिश है, धूप है, ठंड है, स्टॉर्म है, वैसे कैसे हमको प्रोटेक्ट करता है। अ हाउस शुड बी कीप नीट एंड क्लीन। हमारा जो घर है वो हमेशा साफ़ और सुथरा रहना चाहिए। अगर हमारा घर साफ सुथरा नहीं रहा तो हमें क्या हो जाएगी? बहुत तरह की बीमारियां हो जाएंगी। अगर हम गंदगी में तो रह नहीं सकते हैं, बदबू भी आएगी हैं, और बहुत तरीके की हमें बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना। तो अब देखते हैं हमारा आगे टाइप्स ऑफ हाउस। जैसा अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे कि हाउस के बारे में, अब यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें हाउस के टाइप्स भी होते हैं। अब यहाँ पे आप एनालाइज करना कि आपका जो हाउस है, आप जिस घर में रहते हो सबके साथ, आपका जो घर है वो इन तीनों में से किस टाइप का है। पहला क्या है? हमारा कच्चा हाउस। नेक्स्ट क्या है? पक्का हाउस या परमानेंट हाउस। थर्ड क्या है? टेम्प्रेरी हाउस। अब हम बात करते हैं कच्चा हाउस। कच्चा हाउस में क्या आता है? हट। जैसा कि हम देखते हैं गांव में, रोड साइड में बहुत सारे लोग रहते हैं ना मिट्टी के घरों में, उसको क्या कहते हैं? हट। कि वो कच्चा हाउस होता है, मिट्टी से बना होता है। अगर हम उसको पुश करें तो बहुत इजीली वो टूट जाएगा, क्योंकि मिट्टी क्या होती है? मिट्टी का अगर आप बना के देखो आप खुद भी घर, तो अगर आप उसको 2 दिन या 3 दिन या कुछ टाइम बाद भी अगर आप उसको हाथ से हल्का सा भी पुश करोगे तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं, कच्चा घर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पक्का हाउस या परमानेंट हाउस। इसमें क्या आता है? फ्लैट्स। जैसा अभी हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे फ्लैट्स बने होते हैं, जो किस चीज़ से बने होते हैं? ईंटे से, सीमेंट से, बालू से जो घर बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पक्का हाउस, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस जो होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, एक जगह से उसको दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते,
वो एक ही जगह पे, क्योंकि वो जो है वो सीमेंट और बालू से जब वो बना है तो वो परमानेंटली वो उसी जगह रहेगा। या तो अगर हम उसको तोड़ेंगे वो टूट जाएगा, बट वो इधर से उधर शिफ्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी हाउस में क्या है हमारा? इग्लू, हाउस बोट, टेंट, ये हमारा क्या है? टेम्प्ररी हाउस। टेम्प्ररी हाउस क्या होता है? जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह बहुत इजी वे में उसको ट्रांसफ़र कर सके। जैसे कि टेंट है। टेंट क्या होता है? जो आपने शायद कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग रोड साइड में कपड़े का टेंट लगा के भी रहते हैं। आज वो यहाँ रह रहे हैं, कल वो दूसरी जगह गए, वो वहाँ शिफ्ट हो गए, अपना टेंट लगा लिया। या जो लोग ट्रैवल करते हैं वो लोग भी इस टेंट का यूज़ करते हैं। वो लोग भी जब कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, जो हर टाइम घूमते रहते हैं बहुत सारे शहरों में या फिर पहाड़ों पे, तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं? टेंट का यूज़ करते हैं। कहीं भी गए, शाम हो गई, वहीं टेंट लगाया और खाना वगैरह बना के खा के वहीं सो जाते हैं वो लोग। तो टेंट किस चीज़ का होता है? वो कपड़े का बना होता है और वो एक ऐसा फैब्रिक होता है जिससे वो ना उस पर बारिश असर करती है ना उस पर ठंड असर करती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाउस बोट। जैसा कि कश्मीर में हाउस बोट बहुत फेमस है। हमारे यहाँ आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी हाउस बोट होगा कहीं ना कहीं। हाउस बोट कहाँ चलता है? हाउस बोट पानी में चलता है। वो एक नाव होती है, नाव पे ही घर बना होता है और उसी में पूरा किचन होता है, बेडरूम होता है, सारी चीज़ें उसी में होती हैं हाउस बोट में। और उसको भी हम इजी वे में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इग्लू। इग्लू क्या होता है? ये बर्फ़ से बना एक घर होता है। ये बर्फ़ से बना एक घर होता है। तो अभी हमने क्या देखा? हमने पढ़ा हाउस के बारे में, हमने देखा कि हमारी लाइफ में हाउस का कितना बड़ा बेसिक नीड है, बेसिक के साथ साथ कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, जो हमें कितनी सारी चीज़ों से बचाता है। फिर हमने देखा कि हाउस के कितने टाइप्स होते हैं। हाउस के कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस और टेम्प्ररी हाउस। कच्चा हाउस में हमने क्या देखा? हट, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मिट्टी से बना होता है। नेक्स्ट हमने देखा पक्का हाउस, परमानेंट हाउस, जो मैंने बताया कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसमें क्या आते हैं हमारे? फ्लैट्स आते हैं। टेम्प्रेरी हाउस में हमारा क्या आया? इग्लू, हाउस बोट और टेंट। जैसा मैंने बताया कि टेम्प्रेरी हाउस जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम यहाँ से वहाँ ले जा सके, उसको क्या कहते हैं हम? टेम्प्रेरी हाउस। आज है यहाँ पे, कल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? टेम्प्रेरी हाउस। तो यहीं पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो हाउस के बारे में मैंने बताया ये आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि हाउस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस हाउस की हाउस में कौन कौन से हाउस आते हैं, ये सारी चीज़ें उनको पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।